स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला बेटी। हमेशा टाइम पे मिल जाता था, इस बार ही लेट हो गया माँ। वो अपने चेयरमैन लगता है अमेरिका गए होंगे। फिर भी एक बार पता लगा लेती तो ठीक है। स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो घर का खर्चा चल जाएगा, पापा की दवाइयाँ आ जाएंगी और फैक्ट्री का कर्जा भी चुका देंगे। ठीक है माँ, आ जाके पता करती हूँ। चलती हूँ माँ। हाँ। चलती हूँ पापा। अरे श्री, पूरी रात फ्री में तूने हमें फॉरेन ही दिखा दिया। तुम लोग तो पैसे वाले हो भाई, मलेशिया जाते हो, बैंकॉक जाते हो, हांगकांग जाते हो, हमारा क्या होगा भाई? हमारी जिंदगी का क्या होगा? तुम अपना छोड़ो यार, हमारा क्या होगा? सुबह जब से उठा नाश्ता नहीं किया यार, दोपहर को खाना नहीं खा पा रहा हूँ यार, असल में क्या काम करूँ समझ नहीं आ रहा यार, मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊँ? ए, टेंशन मत लो यार। अरे ब्रदर, हमें टेंशन नहीं होती है, पर इनको देखो, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, समोसा भी नहीं खाया और कटिंग भी नहीं पी, सुट्टा भी नहीं मिला। हमारी भूख का इलाज मिल गया, फूड मिल गया। हमें फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, हमारे कॉलेज में ही है। तुलसी तू मेरी है ला, सी हम सबकी। ए बेटा फोन दे। फोन लगा और हेलो। एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन जी के बेटे हो? एक फॉर्म दे दीजिए। नमस्ते सर। थैंक यू। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा सर। ओके सर। सर फॉर्म चाहिए। सर मेरा स्कॉलरशिप आया क्या? तुम्हारा नाम? तुलसी। पता नहीं क्यों तुम्हारा चेक नहीं आया है। सर आप बात करिए ना सर, ताकि जल्दी से आ जाए। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। तुलसी प्रॉब्लम क्या है? अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिली विकास। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो? अपना श्री है ना, अपना श्री चेयरमैन का बेटा ही है ना, वो एक बार बोलेगा ना तो चेक तुम्हें यूं मिल जाएगा। सच्ची? हाँ आओ चलो। यार तुलसी प्रॉब्लम है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? सबके स्कॉलरशिप चेक्स आ गए हैं पर इसका नहीं आया, तुझे ही हेल्प करनी होगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू चेयरमैन का बेटा है ना, कुछ भी कर सकता है, प्लीज। ओके तुम इतना बोल रहे हो तो हम सोच लेंगे, मगर इसे भी सोचना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। जस्ट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप? ए दिखा। यस। कम। तुम तो हमेशा उस फायर गैंग के साथ रहती हो, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फ्रेंडली रहोगी तो स्कॉलरशिप कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन कम ऑन, हाथ मिलाओ, शेक हैंड। यस यस, कम ऑन, ये फ्रेंडशिप मुबारक हो। मैं चलती हूँ, मेरा काम हो जाएगा ना? नो प्रॉब्लम, यस काम हो जाएगा तुम्हारा। मुझे तुम दोनों की देखभाल करनी चाहिए थी। ए भगवान, पता नहीं क्यों किस पाप की सजा दी है मुझे। नहीं जी, तुम्हारी मेहनत पे जीना पड़ रहा है। नहीं जी, फिर कभी ऐसा मत बोलिएगा। वैसे इसे मैं ले जाकर मेडिकल शॉप में दे दूंगी, वहीं से फैक्ट्री चली जाऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा जी। हाय अंकल। बैठिए बैठिए। कैसे हैं? क्या बात है, क्लास को बंक करके आ गए मेरे पास? अर्जेंटली कॉलेज टूर अरेंज कीजिए। अर्जेंट टूर अरेंज कर दूंगा, लेकिन वो नवंबर में। हमारी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या सर? इतना भी नहीं कर सकते हो, उसका एक प्रोसीजर है, मीटिंग करनी पड़ती है, चेयरमैन का अप्रूवल लेना पड़ता है। चेयरमैन मेरे डैडी ही है ना, मैं बात कर लूंगा। हाँ मैं अभी फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं, अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो मेरी नौकरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे बाबा क्या करूँ, जाओ अच्छा जाओ जाओ तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, लव यू सर, लव यू लव यू। चलो रे, काम हो गया। इसे पप्पी कहाँ देते हैं ये भी नहीं पता है। बड़ी सुंदर दिखती हो तुम, जान से प्यारी हो तुम, जान हमारी हो, बड़ा खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे बाप रे, नहीं सुन सकता। अरे गाड़ी रोको, चलो 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 चलो।
हेलो ब्रदर्स, हेलो सिस्टर्स, कम 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 कम, गो गो गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, चलो 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 चलो। मैं नहीं आऊंगी, तुम यहीं पर रुको, हम वॉशरूम से आते हैं। तुम इधर ही रुको, हम अभी आते हैं। चलो चलते हैं, ठीक है? ओके, अभी आते हैं, जल्दी आना। भागो, भूत आ गया। अंताक्षरी खेल के बहुत मजा आया ना? सुपर था। अच्छा श्री, तुमसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। भारती वगैरह आ जाए। हाँ भारती तो क्या, पूरे कॉलेज को बुला लो। अरे स्कॉलरशिप तुम्हें चाहिए या सबको चाहिए? श्री का कुछ काम है, शायद वो कॉलेज का भी हो सकता है, वो स्कॉलरशिप दिला देगा। चेयरमैन का बेटा है, तुमसे पर्सनली बात करना चाहता। बस तुम्हारी हो ना, देखो तुम चलो अभी मेरे साथ, चलो। सुनो, अरे श्री कहाँ है? वो अंदर है। अरे चलो ना, सोच क्या रही हो, चलो चल चल। मेडिसिन कंटिन्यू करो। ओके मैम। वो पिकनिक पे नहीं गई है जी, वो टूर पर गई है, 15 दिन लग जाएंगे बोल रही थी। अच्छा? हाँ। उसने मुझसे कहा था कि एक ही दिन लगेगा। आपने ठीक से नहीं सुना होगा, मुझे फोन करके बताया था 15 दिन लग जाएंगे। पता नहीं क्यों उसे 2 दिन नहीं देखा तो ऐसा लग रहा सालों से नहीं देखा है। आज 1-2 दिन में आपका ये हाल हो गया है, कल शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या करेंगे? अरे पागल, हमारे लिए तो बेटी हो या बेटा तुलसी ही है, सिर्फ हमारी बेटी ही हमें छोड़कर जाएगी कहाँ? बोली था ना वो कि कलेक्टर बनेगी, वो शादी करके हमें छोड़कर नहीं जाएगी, वो एक काबिल लड़के से शादी करेगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, हमारी आखिरी सांस तक हमारी देखभाल करेगी, वो मेरी बेटी है। क्यों प्रिंसिपल, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? इन लोगों ने पूछा और तुमने इन्हें जाने की परमिशन दे दी? शेशे, ये तो इडियट्स हैं, इनको जाना ही था तो बैंकॉक और मलेशिया चले जाते। भाई अब क्या हुआ जो इतना टेंशन लेकर अपनी बीपी को बढ़ा रहे हो? अरे बच्चों ने थोड़ा मस्ती किया ना, और क्या? क्या कह रहे सर, इतनी आसानी से आपने बोल दिया, एक मासूम लड़की के साथ अत्याचार हुआ है सर। अत्याचार ही तो हुआ है, अत्याचार तो नहीं हुआ ना। एक काम करते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, बुलाओ उन्हें। देखिए मैडम, आंखें जाने पर अंधा बोलते हैं, पैर जाने पर लंगड़ा बोलते हैं, पर इस लड़की के साथ जो हुआ वो दिखाई नहीं देगा, इस बात को बढ़ाने से आपका ही नुकसान होगा। 4 दीवारी की बात को लोगों के सामने लाने की कोशिश करोगी तो बदनामी तुम्हारी होगी। वो तो मासूम बच्चे थे जो जोश में आके होश गवा बैठे, पर आपकी हालत को देखकर तो मुझे दया आ रही है। देखिए मैडम, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपकी बेटी की पढ़ाई, नौकरी, सारी जिम्मेदारी हम लोग संभाल लेंगे। आपके पास पैसा है इसीलिए हमारा मुंह पैसे से बंद करना चाहते हैं, अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। मेरी बेटी ने आंखें या पैर नहीं खोए हैं सर, उसने अपनी पवित्रता खोई है सर। हॉस्पिटल में मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है,
पता नहीं वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। आप लोग जानवर है क्या? ए, ऐसे कुत्ते की तरह क्या भौंक रही है? ईमानदारी से हमारे मुताबिक चलेगी तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, वरना वो भी नहीं मिलेगा तुझे। आपके लिए जमीन जायदाद बंगला कार ऐशो आराम पैसा यही सब कुछ है, पर हमारी इज्जत ही सब कुछ है सर। वहाँ पर क्या हुआ वो आप नहीं जानते हो क्या? इन कुत्तों ने, इन्हीं कुत्तों ने तुलसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो बेटी, तुम खुद कह रही हो ना, इन सब ने मिलकर गैंग रेप किया है। गैंग रेप होने वाली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? हेलो ससुर जी, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। कहो तो मैं हैंडल करूं क्या? इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर बातचीत चल रही है, कॉम्प्रोमाइज करवा कर मामला खत्म कर देंगे। हाँ तो फिर ठीक है। फोन पर मेरी बात किससे हुई जानती हो? मेरा दामाद है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिपार्टमेंट की बहुत ऊंची पोस्ट पर है। ठंडे दिमाग से सोचिए, नुकसान की भरपाई तो हम कर देंगे। देखिए मैडम, जो होना था वो हो गया, हॉस्पिटल का बिल हम पे कर देंगे, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगी, कोर्ट में जाएंगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी भी कोई बेटी होती, उसके साथ भी ऐसा ही कोई अत्याचार करता, कंपेंसेशन के लिए आप मान जाते क्या? ए शट अप, जान की भी है तो किससे बात कर रही है? ए धक्के मारकर बाहर निकालो। क्या है ये सर, चेयरमैन होकर भी इतनी बेशर्मी से पेश आ रहे हो? हमें न्याय कैसे नहीं मिलेगा वो मैं भी देखती हूँ। चलिए आंटी चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अगर इस तरह गुस्से से जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। इसकी बात उसकी बात सुन के बिगड़ो मत, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम कहाँ काम करती हो मैं जानता हूँ, अगर एक फोन किया ना तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। अगर कोई पूछे तो कह देना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आगे आप सोच लो। छोड़ो, सोचने के लिए रह भी क्या गया है, इतना ही काफी है, मान गए समझो। वह देखो उनके पास कोई चारा नहीं है, ऐसे लोगों को रोज हैंडल करता हूं। आपसे डर के भाग गए। बेटी तुलसी, 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 तुलसी। आंटी, उन दरिंदों को हमें सबक सिखाना ही होगा, उन्हें सजा दिलानी ही होगी, उन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें अभी मीडिया के पास मदद के लिए जाना चाहिए। चार दीवारी के बीच हुई बात कल को सारे शहर को पता चल जाएगी, घर घर में पता चल जाएगा। वैसे भी वो बीमार पड़े हैं, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो जानती हो वो जीते जी मर जाएंगे। बच्चों की गलती पर उन्हें समझाने वाले माता पिता ही पैसे देकर उनकी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है आंटी। माँ, पापा को पता चल जाएगा सोचकर, उनका नाम खराब होगा सोचकर, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो राक्षस और भी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेंगे। माँ, वो गलती करके भी अच्छे बने हुए हैं। माँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या सोच रही हो माँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है यही ना, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम मेरे बारे में मत सोचो माँ, मेरी जान निकलने से पहले उन्हें मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। वीआईपी लोगों पर, धनवानों पर केस करना बहुत मामूली सी बात हो चुकी है, इसी तरह से कमाते हो तुम लोग हैं? असल में उस लड़की पर अत्याचार हुआ है या पेशे वाली हो है? ये क्या सर, पुलिस ऑफिसर होकर भी आप इतनी गिरी हुई बातें कैसे कर सकते हो? क्यों बोल नहीं सकते क्या? तुम किस पर केस कर रही हो जानती हो? उनका समाज में कितना मान सम्मान है जानती हो? तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो अमाउंट देंगे वो लेकर खुश रहो। मेरी बात नहीं मानोगी तो कुत्तों की तरह हालत होगी और अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, तमीज से बोल रहा हूँ निकल लो, वरना तुम ही लोगों पर कोई केस दर्ज करके अंदर कर दूंगा। चलो निकलो। सर लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। ए सर ने क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पंचायत करने बैठी हो, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है ससुर जी, आप टेंशन मत। हेलो सर। हेलो मैम, कहिए कैसे आना हुआ? प्लीज सिट डाउन, मैडम के लिए एक कॉफी बोल दो। कॉफी बाद में पी लूंगी, पहले कंप्लेंट लिखिए। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? सत्ता हाथ में है सोचकर न्याय के साथ अन्याय कर रहे हैं सर, आप अपने साले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। मैडम आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए एसपी सर, बाहर मीडिया वाले हैं और महिला संघ भी है,
आप एक बार फिर सोच लीजिए। कैसे आना हुआ दामाद जी? ससुर जी, मैं श्री का केस हैंडल करने वाला था, आपने मना किया, कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, महिला संगठन वाले आ गए, उनके साथ मीडिया वाले भी आ गए, अब वो केस मुझे दर्ज करना ही होगा। दामाद जी, खाकी पहनने से कुछ नहीं होता, कलेजा कलेजा होना चाहिए। सिर्फ कंप्लेन करने से क्या होगा, उन्हें कोर्ट में देख लेंगे, हमारे पास पैसे की पावर है, ऑलरेडी लॉयर को फोन कर दिया है, कुछ भी नहीं होगा। तो बैग लगाओ और मजे करो। डैडी, इस केस में सिर्फ हम दोनों ही साक्षी हैं। गुड, साक्षी सिर्फ तुम दोनों ही हो, इसलिए हम जरूर जीतेंगे। अंकल, वो लोग अमीर हैं, वो लोग न्याय को भी खरीद सकते हैं और लॉयर्स को भी। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहन, तुम परेशान मत हो, अपने पति की ओर से मैं बोल रही हूँ, तुलसी मेरी बेटी जैसी है, ऐसी गलती करने वाले को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। इससे डरकर आके कोई भी लड़का किसी लड़की को कॉलेज में आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहेगा। साहब जी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मेरी बेटी की यही इच्छा है। जिंदगी भर आपके घर का काम करके खर्चा उतार दूंगी। मत रोइए आंटी, डैडी जरूर ये केस जीतेंगे और उन लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। आप घबराइए मत बहन जी, ये अब मेरी जिम्मेदारी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स कृष्णा, विकास, श्री, उनके दोस्तों पर अत्याचार का गुनाह लगाने वाली इस लड़की से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं मैं। इजाजत है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तुलसी। तुलसी, कितना पवित्र नाम है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा फिजिकली हैंडीकैप हैं, मेरी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। तुम्हारे पापा हैंडीकैप हैं, तुम्हारी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए तुम्हारी माँ की कमाई आधार है, है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम पर अत्याचार हुआ है ये कहकर इन पे केस किया। वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार में बताओगी? रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, कोर्ट को जानकारी चाहिए, मुझे नहीं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? हम सब कॉलेज से बस में टूर पे गए थे, खाने के लिए कहकर बीच में ही एक ढाबा के पास बस को रोक दिया सर। विकास ने आकर कहा, श्री मुझे बुला रहा है, बस के पास लेके गया। मतलब सारे स्टूडेंट्स बस में ही थे? नहीं सर, सब लोग ढाबा में खाना खा रहे थे। सारे स्टूडेंट्स जब ढाबा पे खाना खा रहे थे, सिर्फ तुम अकेली बस के पास क्यों गई थी? श्री ने बुलाया था तो मैं चली गई सर। ओहो, श्री ने बुलाया तो गई थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। मैंने सोचा श्री अकेला होगा, लेकिन वहाँ पर तीन और लोग थे सर। यानी चार लोग थे वहाँ पे। क्या किया उन्होंने? पकड़ा था सर। ओके, दोनों ने हाथ पकड़ा, बाकी दो? बाकी के दोनों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे। हाँ, बाद में। श्री ने मेरे कपड़े निकाल दिए थे। क्या किया था, फाड़ दिया, बोलो ना। कोई बात नहीं बेटी, शादी का सपना समझकर याद करके बताओ, पहले किसने पकड़ा था, श्री ने क्या किया था, हाथ डालकर क्या किया, सब कुछ साफ साफ बताओ, मुझे जानकारी चाहिए। जज साहब, उस अन्याय से ज्यादा तो वकील साहब इन पर यहाँ उल्टे सीधे सवाल करके अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप क्या करते हो? रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हूँ। आप तो अपनी ड्यूटी करके रिटायर हो चुके हैं, हमें तो अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। तुलसी, तुम नहीं बताओगी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो मैं बताता हूँ। वैसे भी टूर के लिए निकलते थे, टूर में इनके साथ रहने वाले श्री से या कृष्णा से इलीगल कॉन्टेक्ट रखेंगे तो अच्छे से पैसा कमाकर पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ, ऐसा सोची थी। ये तुम्हारी बात नहीं माने, इसलिए इन पर अत्याचार का आरोप लगाकर तुम कोर्ट में आई। नहीं सर, वकील साहब जो बोल रहे हैं यही सच है, यही सच है।
डैडी, आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे बीवी बेटी के बंधन का कोई गम नहीं। मेरी जंग न्याय के लिए है, सत्यमेव जयते। जवान हो इसलिए जवानी के आड़ में तुमने जाल फेंका। नो नो, ये सब झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होता है बेटी, जरूरतें इंसान को ऐसा बना देती हैं। जज साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, तुलसी पे अत्याचार हुआ इस बात से ज्यादा तुलसी कैसी है बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे साक्षी हैं। सर, एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी गया था। वहाँ माता के दर्शन किए और बाहर देखा तो तुलसी दिखाई दी। अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगी कहकर कॉटेज लेकर गई, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे तू चाहिए कहकर मुझे परेशान करने लगी। सर सर, तुलसी मुझसे हमेशा पैसे मांगती थी, 2-3 बार मैंने उसे दिया भी था। एक बार आकर कहती है मुझे 10,000 रुपए चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं उसे दे नहीं पाया। तब वो बार बार मुझे फोर्स करने लगी। योर ऑनर, हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ लॉजेस पर छापा मारा था, 2-3 बार ये लड़की पकड़ी भी जा चुकी है। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये लड़की स्टूडेंट है ही नहीं, स्टूडेंट के रूप में एक प्रोस्टिट्यूट है। नहीं, स्टूडेंट के रूप में समाज में औरतों की इज्जत को घटाने वाली एक वेश्या है। ऐसी लड़कियों को समाज में क्या कहते जानते हैं सर? कॉल गर्ल। धरती लहू से ये समय भगवान ने कैसा दिखाया, मूक बन के देखने वालों ये क्या मंदिर तुम्हारे दिल को भाया। भारत माता को फूल बाद में चढ़ाना, कलियों को मसलना पहले बंद हो यहाँ। न्याय ना मिलेगा, अन्याय हो जाएगा, इन पापियों के जुल्म की न होगी इंतहा। बेटी सुरक्षित नहीं, जुल्मों की हद हो गई। अब तक भारत की ये बेटियां केंद्रित होगी न्याय पाने की चाह में। इनकी हालत पे रोती भारत माता, रोगो जुल्मों सितम की अब ये गाथा। इनकी हालत पे रोती भारत माता, रोगो जुल्मों सितम की अब ये गाथा। देख लिया ना, आखिरकार जीत पैसे की ही होती है। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए कहकर चिल्ला रहे थे। कोर्ट ने उनको न्याय दिया क्या भाई? नहीं मिलेगा, न्याय होगा ही नहीं। कितना हंगामा किया लड़की ने, क्या हुआ? कोर्ट में प्रोस्टिट्यूट ही प्रूव हुई ना, उसने खुद को गिरा के आत्महत्या कर ली। न्याय भी मर गया, खुद भी मर गया और केस भी क्लोज हो गया। अरे सुबी, अनपढ़ गंवार, इधर आओ। तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, 10 लाख 10 लाख। ये क्या, बिना बताए तुम दोनों सामान लेके कहाँ जा रहे हो? जहाँ न्याय होगा, जहाँ धर्म होगा, वहाँ जाएंगे। आप जैसे धन राक्षस के घर में नहीं रहने का फैसला लिया है। बेटी इंदिरा, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें पैसों की कीमत नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता है, झूठ बोलकर कमाया हुआ ये सारा पैसा मेरे लिए ही है, यही ना? हाँ बेटी, धर्म के लिए, न्याय के लिए सालों साल तक कोर्ट में खड़ा रहने पर मुझे क्या मिला? वही अगर एक ऐसा केस मिला तो आराम से जी सकते हैं। छोटे से केस के लिए मुझे 10 लाख मिला, 10 लाख रुपीस। किसको चाहिए ये पैसे? आपके क्या हजारों बच्चे हैं? नहीं ना, मैं अकेली हूँ ना डैडी। अगर कल को कोई मेरा भी रेप करके आपको बहुत सारे पैसे देगा, तब भी आप मुझे वैश्या प्रूफ कर देंगे क्या? कर देंगे क्या?
जब हम छोटे हुआ करते हैं, डॉक्टर्स बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, ऐसा सोचते हैं। डॉक्टर बनते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देने के लिए, इंस्पेक्टर बनते हैं घूस खाने के लिए, लॉयर्स बनते हैं आप जैसा झूठ बोलने के लिए। मुझे पता नहीं था। मतलब पढ़ाई करना गलत है, इस अनपढ़ गवर्नर ने तुझे बताया क्या? हाँ जी, मैं अनपढ़ गवार ही हूँ, किसान की बेटी हूँ, लेकिन कभी भी पत्थर उठाने वाले ने या खेती करने वाले ने रिश्वत नहीं ली। रिश्वत लेने वाले तो आप जैसे असंस्कारी और पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। अभी हाल ही में सिनेमा में देखा था ना, लाशों का ट्रीटमेंट करके लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं। रिश्वत लेने वाले तो आप जैसे लॉयर्स, पुलिस और डॉक्टर होते हैं। टीवी में हर रोज दिखाया जाता है ना जी, इस ऑफिसर ने इतने लाख रुपए लिए हैं, उस ऑफिसर के घर से इतने रुपए सीबीआई के हाथ लग गए हैं जी। कभी भी रिश्वत लेकर दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने वाले मेरे जैसे अनपढ़ लोग नहीं होते जी। आप जैसे लोग जो पैसा 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 करते रहते हैं मरते दम तक। मेरे जैसे अनपढ़ों की वजह से देश खराब नहीं हुआ है जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही आज देश बर्बाद हो चुका है। देखिए, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हैं तो ये पैसा ले जाकर उनके मुंह पे मार दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पैसे से हमें पाप का खाना खिलाएंगे तो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा जहर लाके दे दीजिए, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। लाल हुई धरती, लहू से ये समय भगवान ने कैसा दिखाया। मूक बन के देखने वालों, ये क्या मंजर तुम्हारे दिल को भाया। भारत माता को फूल बाद में चढ़ाना, कलियों को मसलना पहले बंद हो यहाँ। न्याय ना मिलेगा, अन्याय हो जाएगा, इन पापियों के जुल्म की ना होगी इंतहा। बेटी सुरक्षित नहीं, जुल्मों की हद हो गई। अब तक भारत की ये बेटियाँ बेदर्द होगी न्याय पाने की चाह में। वेलकम मिस्टर लॉयर चंद्रशेखर जी, सब कुछ हमारे मन मुताबिक ही हुआ। अब तक तो आपके मन मुताबिक हुआ है, अब आगे से मेरे मन मुताबिक होगा। अब इन्हें क्या हुआ, हमारे वकील साहब पागल जैसे बात कर रहे हैं। ए पागल वागल नहीं, लॉयर हमारा कुत्ता है, कुत्ते की तरह बात सुनेगा और जो बातें हम बोलेंगे वो कोर्ट में बोल देगा। सही कहा चेयरमैन जी, मैं कुत्ता ही, आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता ही हूँ। लेकिन तुम लोग न्याय और धर्म के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोमड़ी हो, चालाक लोमड़ी। What nonsense are you talking? हाँ, अब तक मैंने कोर्ट में नॉनसेंस की तरह ही बोला है। तुमने जो बोला वो बोला, लेकिन इस कुत्ते को एक अनपढ़ गवार ने एक चाटा लगाकर अक्कल सिखाई। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तुम्हारे पैसों की लालच में आकर एक मासूम के साथ अन्याय किया, मैंने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ धोखा किया। बेचारे लॉयर प्रायश्चित करने के लिए हम सबको वार्निंग देने के लिए आए। बिल्कुल सही, अनपढ़ गवार मेरी पत्नी, पढ़ी लिखी मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपनी गलती को जान चुका हूँ। उस लड़की की जान तो नहीं लौटा पाऊंगा, कम से कम उस परिवार के साथ न्याय तो करूंगा। अभी जज साहब के पास जाकर अपनी गलती कबूल करके न्याय अन्याय उनके सामने रखकर तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा दिलवाऊंगा। बगलाओ मत, गलती करना तुम्हारा काम है, कुत्ता वफादारी करे तब तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। कहने वालों का इतना बुरा हाल, तो फिर कौन अपनी बात कहेगा। झूठ की जीत किस लिए यहाँ, बीमार की औषधि के लिए। धन जो आए लूट खाए, विरोधी जो होगा मारा जाएगा। निर्लज हवस के ये भेड़िए, निर्दोषों के खून से हाथ रंगे। भारत के दुखी अब रही न सीमा, रोती भी लगती है भारत माता। पर
बलिदान इसका न खाली जाए, शम्मा जागृति की जलती जाए। को सहना भी एक पाप है, चुप भी रहना एक अपराध है। शांति मुद्रा नहीं बनो रण चंडी, नर पिशाचों को तुम अभी मार डालो। शर्मिंदा ना हो तिरंगा कभी, तुम हो सिपाही ना डरना कभी। झंडे की आन ऊंची रहे, कितने फौजी देते हैं अपनी जान। रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने, रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने, रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने। सत्याग्रह कर रही हैं, क्या उखाड़ लेंगी। दिल्ली में वो लड़की का केस देखा था ना, वहाँ भी यही सब हुआ। सड़कों पर नारे लगे, मोमबत्ती जलाई गई, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस ने क्या किया, सबको अंदर कर दिया। ये लड़कियाँ पगला गई हैं। जो लड़कियाँ स्ट्राइक कर रही हैं उनके घर जाएंगे, उन्हें समझाएंगे, अगर सीधी तरीके से मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो उन लड़कियों को तुम जाके अपना पुलिस पावर दिखाना, और तुम जाके राउडी पावर दिखाओ। उस भारती के साथ मिलकर सत्याग्रह कर रही है, ईमानदारी से उसे घर पर बुलाएगा तो ठीक है, वरना तुम दोनों को शूट कर दूंगा। ए, तुम्हारी बेटी भारती के साथ मिलकर सत्याग्रह कर रही है, ये बात मेरे बॉस को पता चली है। अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे वहाँ से लेकर जल्दी जाओ। तेरी बेटी खुद को क्या लक्ष्मी बाई समझती है, चलिए देश बदल लें। उससे बोलो सत्याग्रह वगैरह बंद कर दे। मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। भगवान, देखो ना हमारा पावर, पूरा टेंट खाली हो गया है। सत्याग्रह करके भी क्या हासिल किया तूने, अब देख तेरे साथ कोई भी नहीं है। इतना क्या सोच रहा है, मारो इनको, मारो, 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 करेंगे, और मारो। ए, चल। इतना क्यों चिल्ला रही है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। छोड़ दो मुझे। कोई नहीं आने वाला यहाँ। Oh,
भारती। आज अगर आप मुझे नहीं बचाने आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच सर। बेटी सर मत बोलो बेटी, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं बेटी। मेरे पिता? लेकिन आपने तो मेरे माता पिता के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं दादाजी। नहीं बताने के लिए मैंने ही कहा था बेटी। क्योंकि मुझे पकड़ने की कोशिश की या शूट करने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा इसको। मुझे हैदराबाद बात करने के लिए मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करो, नहीं तो शूट कर दूंगा। सामने पे डेड और लाइव वांटेड टेररिस्ट है, हाथ में सर्विस रिवॉल्वर है, उसमें लाइसेंस बुलेट है, निशाना नहीं चूकेगा, टारगेट अचीव्ड। माय डियर ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले एक साल से कई जगहों पर बॉम्ब रखकर कई लोगों की जान लेने वाले एक आतंकवादी को हिम्मत से शूट करके कई लोगों की जान बचाने वाले हमारे ऑफिसर, इट्स ए ब्रेव एंड करेजियस सेट ऑफ आवर मोस्ट डायनामिक ऑफिसर मिस्टर कुमार। इसलिए इस साल बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। मिस्टर कुमार, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। व्हाई नॉट? थैंक यू। आज मुझे ये बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिला है, मैं इसका अकेले भागीदार नहीं हूं, इसमें किसी और का भी साथ है, लेकिन वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी चारू लता है। अपने जान की परवाह ना करते हुए देश को नुकसान पहुंचाने वाले देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए हिम्मत देने वाली मेरी पत्नी इस अवार्ड में वो भी भागीदार है। सर, व्हाट मिस्टर कुमार, अगर आप परमिशन दें तो इस अवार्ड को लेने के लिए मैं अपनी पत्नी का भी साथ चाहता हूं। श्योर, विद प्लेजर। मिसेस कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Get up.
मैं तो कब से तुम्हारे प्यार में अरेस्ट हो चुका हूँ ए चारू। ए चारू, जब उसने तुम्हारे ऊपर गन तान रखी थी तो तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से? तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ इतने साल बिता चुकी हूँ ना, उसी हिम्मत से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ सात फेरे लिए थे, मुझ में हिम्मत आ चुकी है। आई एम अ वाइफ ऑफ लायन। देश की रक्षा करने वाले मेरे पति, उनका सर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। चारू, तुम जैसी पत्नी मिलना भाग्य की बात है। आई एम रियली लकी। नो कुमार, आई एम टू लकी। मैंने तुम जैसे ब्रेवेस्ट करेजियस पर्सन को अपने पति के रूप में पाया है। सर, क्या हुआ? सॉरी सर, डीआईजी साहब ने आपको तुरंत ऑफिस में बुलाया है सर। ओ, आजा 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 आजा। लो चारू, चारू मैं अभी आता हूँ। जाता हूँ, ध्यान रखना। बाय बाय। अले अले, क्या हुआ? यहाँ बैठो मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, ये इतनी जल्दी आ गए? रुक जा बेटी, अभी आती हूँ। हे क्रिश, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मैडम, आपको देखने का मन किया तो डायरेक्ट यहीं चला आया। ठीक है, बैठ जाओ। तुम क्या लोगे, कॉफी या टी या कोल्ड ड्रिंक? कुछ खाने पीने का मन नहीं है मेरा मैडम। मुझे क्या चाहिए वो आपको पता है। Shit! What nonsense are you talking about? Get out! Out! Okay, cool, cool. मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुमको चाहता हूँ। मेरे पति शेर हैं। अगर वो आएंगे तो तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाएंगे। हाँ चारू। हेलो। Hey! हेलो। छोड़ो। हेलो। देखिए, चारू का फोन नॉट रीचेबल। चारू, चारू,
वो इंसान नहीं है। उसने मुझे, उसने, उसने मुझे चोरू। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद मुजरिम कुमार अपनी पत्नी चारुलता का कृष्ण नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध है। इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, इसलिए मुजरिम कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। बेटी भारती, सीता जैसी तुम्हारी माँ को वेश्या साबित किया गया। बेटी, न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाले तुम्हारे पापा को हत्यारा साबित किया गया। बेटी, ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें तकलीफ होगी ये सोचकर मुझे ये बातें छिपाने के लिए बोला था बेटी तुम्हारे पापा ने। पापा, भारती, पापा, उस दिन तुम्हारी माँ को खो दिया था बेटी, अगर आज आने में एक पल भी देरी हो जाती तो तुम्हें भी। समाज बहुत खराब हो गया है बेटी, कुछ नहीं रह गया है। मां, भाभी, बहन, बेटी, ये सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं बेटी। ये समाज हर औरत को वासना की नजर से ही देख रहा है। पापा, इन राक्षसों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है क्या? औरत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? कुछ नहीं कर सकते क्या? कोई आएगा, कुछ करेगा, सोचकर हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। स्त्री शक्ति को एक होना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर बेटे ने गलत किया तो माँ, पति ने गलत किया तो पत्नी, भाई ने गलत किया तो बहन, छोटा भाई गलत करे तो बड़ी बहन को सजा देनी चाहिए, तभी हमारा घर सुधरेगा। घर सुधर जाएगा तो समाज भी सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा तो देश भी सुधर जाएगा। हमारे देश में भगवत गीता है, अग्नि परीक्षा देने वाली सीता है, हमारा देश करुणा सागर है, हमारे देश का संस्कार है गंगा। ऐसे पवित्र देश को हमें मिलकर बचाना होगा। हमारे देश को बचाने के लिए नेशनल आर्मी की जितनी जरूरत है, हमारे घर को हमें बचाने के लिए